कैन सी द स्क्रीन जिसमें हम एक आंसर्स वेरीफाई करने हैं. ठीक है ना. द क्वेश्चन सेंड बाय द कैंडिडेट इज दिस. व्हाट क्वाइन सेज इन टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म, व्हाट इज द सेकंड डॉगमा. अभी हमें पता है कि स्पेसिफिकली क्वाइन की फिलोसॉफी में बहुत इन डिटेल ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ नहीं है, बट वी नीड टू फाइंड आउट कि वेदर द कैंडिडेट हैव रिटन द आंसर एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और अदरवाइज, है ना. तो वी विल फोकस प्रायोरिटली ऑन दैट पार्ट. क्वाइन की फिलोसॉफी कोई बहुत, वैसे तो उनकी फिलोसॉफी में बहुत कुछ है, बट यूपीएससी हैज गिवन अस अ सर्टेन टॉपिक ओनली. ओके, सो टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म दैट दे फोकस अपॉन. सो यहां पे क्वेश्चन है व्हाट क्वाइन सेज इन टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म. ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सप्लेन द टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड व्हाट इज द सेकंड डॉगमा. सो आई डोंट सी द मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई कैन से एट मैक्स की ये जो क्वेश्चन होगा ये 15 मार्क्स के लिए तो होगा ही होगा. 10 मार्क्स के लिए ऐसे दो सवाल तो मोस्टली नहीं पूछे जाते, बट फिर भी आई अज्यूम की 15 मार्क्स के लिए एंड देन वी विल इवेल्युएट. सो ऑब्वियसली हिटिंग एट द पॉइंट की एग्जैक्टली व्हाट इज द टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म, क्वाइन का उसके पीछे क्या एजेंडा है, एंड देन कमिंग टू द सेकंड डॉगमा बाय जस्ट गिविंग अ पासिंग रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट डॉगमा. ठीक है, सो विल सी हाउ द कैंडिडेट हैज डील्ड विद दिस. As you can see, in two dogma, in his famous essay Two Dogmas of Quine says that the modern empiricism has been conditional in large part by two dogmas. So somewhere introduction ka jo part hai, as expected aaya hai. First is belief in some fundamental difference between analytic truths, which are considered independent of the matters of fact and okay, grounded under the fact. Now, in this aspect, Leibniz has accepted the truths of reason and truths of fact. Hume accepted the relation of ideas and matter of fact. Kant and everything. Very good. ये कभी कभी ज्यादा impressive हो जाता है as compared to the just content, क्योंकि वो analytic analysis आपने किया है, इसका reflection ही है. So this is always appreciated. Quine rejects the argument based on the definition, that is the linguistic theory of a necessary proposition and cognitive synonymity, and says that there is a role of experience even in analytic proposition. Very good. Now, very good. ये जो second dogma पे immediately shift होना है और कम शब्दों में जो पहला part था उसको बहुत ही कम शब्दों में candidate ने रखा है. वैसे भी I can see this is not the first full page, half of it have been covered. So, considering interrelations, passing reference of the first dogma, ये सब इसमें अच्छे से present किया है candidate ने. Second dogma, according to Quine, is a reductionism. That's all we are expecting. It is the view that every meaningful statement can be translated into a statement about the immediate experience. अभी इस कैंडिडेट के आंसर राइटिंग में एक बहुत बेहतरीन बात यह है कि कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्रेस होना. इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स जैसे हम कहते हैं कि टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय क्वाइन एंड हैव बीन स्पेसिफिकली टारगेटेड अगेंस्ट दिस एंड दॉट. ये इतना लंबा चौड़ा लिखने से बेटर है व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ ही हैज प्रपाउंडेड इट, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट. जैसे यहां पे एक्सप्लेन किया है वो कम शब्दों में, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आई प्रिज्यूम. ओके, एग्जांपल कि ह्यूम सेज दैट द ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ अ सेंस इम्प्रेशन. ह्यूम ऐसा कहते हैं. एंड लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो है, जो लैंग्वेज एनालिसिस के आधार पर बात करते हैं, कंसिडर ऑब्जेक्ट टू बी लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंस डेटा. हमें पता है सेंस डेटा हमने असल में पढ़ा है, तो वो उसी के आधार पे लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंस. सेंस डेटा का मतलब होता है समथिंग. सादी भाषा में अगर हम बात करें अपने जेनेरिक वे में तो उसका अर्थ होता है द डेटा दैट कैन मेक अ सेंस. इसलिए तो मेटाफिजिक्स को वो रिजेक्ट करते हैं. अभी देखा होगा आपने कि स्यूडो स्टेटमेंट्स जो पूछा है लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का इस साल की यूपीएससी में, वो इसी रेफरेंस में है. रिजेक्शन ऑफ अ सेकंड डॉगमा बाय क्वाइन. नाउ according to Quine, empiricists believe that the complex statement can be reduced into elementary fact and can be verified. Quine rejects this atomistic theory. According to him, knowledge or language is a holistic system which functions as an integrated whole. Very good. ये specifically expected ही है इसमें कि हमारे dogma के reference में, second dogma के reference में Quine का opinion क्या है.
and that's how he rejects the atomistic view or adopted by some of the philosophers. Okay, so elementary facts पे ज़्यादा ध्यान देना, specifically Russell ने भी इस पे काम किया है. तो वो कहते हैं कि this is not what we are looking for. Actually, it is a whole system, जैसे integrated system, जैसा आप Hegel भी मानते हैं ना कि absolutism कहीं beyond नहीं है, वो इसी के अंदर है, like our own body, it's reflecting in that sense. Okay. It is not possible to verify atomic facts in isolation. This is the most important argument I was looking for. क्योंकि अगर atomic facts तक आप कैसे गए, ये अपने आप में एक सवाल पैदा होता है. And when they are, you are saying itself as an atomic, how you can verify it in isolation? Unless all the relevant facts are verified simultaneously, the fact cannot be said to be verified. Thus he says that reductionism is wrong. Fine, this much is great. Thus, Quine says that every sentence is directly or indirectly connected with experience, and he blurs the boundary between the speculative and natural science. ये बहुत ही proper इन्होंने balance में answer लिखने की कोशिश की है. मैं कोशिश नहीं, अच्छे से ही उन्होंने present किया हुआ है, क्योंकि most of the arguments इसमें आ गए हैं. However, Strawson and Grice, in defense of dogma, has asserted that there is a distinction between analytic and synthetic in an informal manner. Sentence: 3-year-old child understands Russell's theory of types, and my neighbors, their three-year-old child is an adult, are both wrong. However, the first is factual impossibility, while the other is logical impossibility. So, candidate ka focus obviously in shabdo pe hai. And that has been articulated with the help of certain statement. जैसे अगर हम 10-3 साल के बच्चे को रसेल की थ्योरी क्या है वो अगर समझ में आ जाती है, ये फैक्चुअल इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 साल के बच्चों को ये समझ में आना, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और दूसरा जो है कि माई नेबर्स 3-year-old चाइल्ड इज एन एडल्ट, दिस इज अ लॉजिकल, कि कैसे बोल सकते हो कि 3 साल का बच्चा एडल्ट हो सकता है. दिस इज हाउ ही हैज ऑल्सो टुक अ the arguments against that. So this is how the beautifully expressed by the candidate कम शब्दों में जितना हमने देखा था कि two dogmas of empiricism का explanation, second dogmas के बारे में specifically point था क्या statement है और उसका logical analysis. तो ये भी इसमें आ गया. Next question देखते हैं, what do you mean by logical positivism? What are the main goals of logical positivist? Explain. I recommend to all the viewers of this video कि ये जो questions होते हैं ना, इसकी practice ज्यादा करनी चाहिए, जो simple दिखते हैं. इसमें कोई complexity नहीं होती है, जैसे UPSC पूछ लेता है, नहीं क्या? मैं ये reflect होते हुए देखता हूँ students के mind में, कि ज्यादातर students जो है वो बहुत ही rare questions पे इतना focus करते हैं, जैसे सर अभी उद्गल अनैरात्म्यवाद और धर्म अनैरात्म्यवाद, फिर सर ये कहां से पढ़ना चाहिए कैसे. अरे आउट ऑफ 5 द 4 क्वेश्चंस वेर वेरी इजी दैट यू कैन इवन अटेम्प्ट इन योर रेगुलर प्रैक्टिस, लाइक इफ यू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो फंडामेंटल फिलोसॉफी पे है, जो एटलीस्ट वो क्लियर होना चाहिए. जैसे यहां पे है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इट इज वेरी सिंपल, बट हाउ डू यू राइट इवन दिस सिंपल क्वेश्चन इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन. ओके, इट्स नॉट अबाउट कि क्वेश्चन सिंपल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Unless and until you write the better answers, right? So, what do you mean by logical positivism? It is the philosophical movement initiated by a group of thinkers considering, वो Vienna Circle में वो सब उन्होंने commit किया था कि हम ये जो metaphysical so called कुछ है जिसको पूरा throw कर देंगे, out throw कर देंगे, इस तरीके से वो mindset बना के उन्होंने एक शपथ ली थी. It is also known as a logical scientific and new empiricism, very good. देखो कैंडिडेट का मुझे यही एक पार्ट इम्प्रेसिव लग रहा है कि कम शब्दों में ही इज ट्राइंग टू पुट मेनी थिंग्स एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ हैविंग अ गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर केस. एंड दिस इज हाउ, आप किसी भी टॉपर के आंसर देख लो, ये रिफ्लेक्ट होता है कि वो कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं. द वियन्ना सर्कल वॉज एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स द मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, फाइंडिंग ओनली ह्यूम्स एम्प्रेसिज्म एंड कांट्स एंटी मेटाफिजिकल स्टांस नियरली नोटिव और रिसर्च. ठीक है, जैसे ये एक्सपेक्टेड. ओके ठीक है, बट बैकग्राउंड ही पूछा है, व्हाट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म. रुडोल्फ कारनाप, एमजे एयर, एम स्लिक, इट्स मेन प्रोपोनेंट्स आर दीज पीपल.
जिन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट को प्रोपोगेट किया हुआ हमको नजर आता है। अब उनके मेन गोल क्या है, बिकॉज क्वेश्चन फिर से ये देखा जाता है, व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविटी। तो इतना काफी था इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। नाउ शिफ्टिंग टू द सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मेन गोल, ये इसके प्रोफाउंडर है, ये आया आंसर में। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वेयर मेनली इंटरेस्टेड इन द फॉर्मल एंड नेचुरल साइंसेस, दस देयर मेन गोल्स आर ऑन पॉजिटिव साइड द एम वॉज टू मेक फाउंडेशन ऑफ अ साइंस टू गेट इट ऑफ रीड ऑफ अ स्यूडो कंसेप्ट ऑफ अ मेटाफिजिक्स एंड टू ले इट्स वेरी गुड। यही तो ऑब्जेक्टिव था कि इनको साइंस को आगे रखना था, रीजन्स जो लॉजिकल लगता है सॉर्ट ऑफ। ऑन निगेटिव साइड प्रूव दी फ्यूटिलिटी एंड वेयरनेस ऑफ अ ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स एंड कंडेम इट एज अ मीनिंगलेस इनवैलिड एंड मिसलीडिंग, वेरी गुड। यही तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, वेस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी टू इंडल्ज इन स्पेकुलेशंस दैट ट्रांसेंड्स एक्सपीरियंस हैज नो मीनिंग एंड नो सेंस, नॉन सेंसिकल ऐसा कहते हैं ना वो कि द। देखो इसमें भी एक ब्रीफ में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं कि इट इज नॉट जस्ट द स्टेटमेंट्स बट द वर्ड्स इन द स्टेटमेंट इफ दे आर रेफरिंग टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव रियालिटी देन ओनली दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि अदरवाइज वो वेगनेस की तरफ, मीनिंगलेस की तरफ चले जाता है। यही बात इन्होंने की है, इस्टैब्लिश प्रॉपर फंक्शन ऑफ फिलोसॉफी टू एनालाइज स्टेटमेंट बाय साइंटिफिक स्टडी एंड स्टडी देयर काइंड एंड रिलेशंस। ओके, वेगनेस को हटाना है, ये भी लिखा है एज ग्रामर इज टू लैंग्वेज, फिलोसॉफी इज टू साइंस। सो दे हैव ब्रॉट दिस टू द लेवल ऑफ अ लॉजिकल नेचर वेयर इट कैन बी वेरीफाइड। तो वेरिफिकेशन थ्योरी का भी आप यहां पे पासिव रिलेक्ट रखना दिया है आगे। ओके, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आंसर की हर कैंडिडेट हर टॉपिक को इंकलकेट करने की कोशिश हो रही है। एज ग्रामर इक्विप्स अस विद रूल्स सिमिलरली फिलोसॉफी शुड फ्रेम द रूल्स वेयर बाय इट कैन बी डिटरमाइंड इफ द पर्टिकुलर साइंटिफिक असर्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट टू ऑब्टेन देयर गोल एडेड टू द डिस्टिंक्शन। ये ऐसा मतलब हो आपने शायद टाइम बचाने के लिए किया होगा बट अवॉइड दिस क्राइटेरियाज फॉर डिसाइडिंग द मीनिंग। ओके हाँ येस, वेरिफिकेशन थ्योरी हैव बीन मेंशन्ड, गुड। कारनाफ यूज द कंसेप्ट ऑफ अ टॉटोलॉजी सिंथेटिक एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दस ट्राई टू प्रूव दैट ऑल मेटाफिजिकल स्टेटमेंट गुड आर स्यूडो स्टेटमेंट। इसी पे यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया इस तरह सेंसेशन ओके एलिमिनेटेड फ्रॉम फिलोसॉफी गुड। However, later on Quine reject the analytic synthetic dichotomy. Passmore asserts that throw metaphysics in fire and science will go with it. Moreover, the verifiability theory is itself not verifiable. Later, Wittgenstein, through use of a meaning and language game, establishes ordinary language. ये important था क्योंकि somewhere we consider कि later Wittgenstein के जो arguments हैं against the metaphysical theory, they have found to be having more validity as compared to the other these kind of like existentialist ले लो ये ले लो, तो वो थोड़ा सा reasonable भी sound करते। तो ये भी कैंडिडेट ने mention कर लिया है, so overall answers बहुत अच्छे से लिखा है। कुछ बातें जो positively इसमें मैं highlight करना चाहूंगा वो है कि कैंडिडेट का overall presentation काफी अच्छा है, थोड़ा सा underlining जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको रेस्ट्रिक्ट करें। आई अंडरस्टैंड कि आपको स्टेटमेंट हाईलाइट करने हैं बट देखो कुछ बार बार जो रिपीटेडली आ रहा है जैसे वेरीफायबिलिटी अनवेरीफायबिलिटी सेंसलेस मीनिंगलेस ये एक बार आते हैं तो एक बार उसको हाईलाइट कर देना ठीक होता है, बार बार उसको हाईलाइट करना नॉट दैट इज नेसेसरी। तो ओवरऑल दैट इज ओके। तो अंडरलाइनिंग को थोड़ा कंट्रोल करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और कंटेंट भी फ्लो में है, सो पढ़ते वक्त कहीं पे भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है जो भी इवेल्युएटर है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कैंडिडेट्स आंसर। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इज सेंट बाय दी आकृति। ये भी एक क्वेश्चन शायद सिद्धार्थ ने भेजे है बट I will not be able to review it right now, तो उसको हम बाद में review करेंगे as आकृति के answers पे हम थोड़ा focus करेंगे अभी। One by one we will go like this,
सर को थोड़ा और भी नीचे किसी एक कैंडिडेट ने भेजा है तो उनके भी आंसर हम इसी इसमें इवेल्युएट कर लेंगे। ओके, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, हाउ डज इट बियर अपॉन देयर कंसेप्शन ऑफ अ लिबरेशन। एक काम करना है, इसमें जब भी आप लिखोगे आंसर्स तो ट्राई करिए कि उसके मार्क्स भी लिखिए, सो दैट हमको वो समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली फोकस कितना कहां जाना चाहिए और क्या करना है। ठीक है, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ अ कर्मा अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, हाउ डज इट बियर अपॉन द कंसेप्शन ऑफ अ लिबरेशन। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि कैंडिडेट कैसे डील करता है, तो उस पर हम फोकस करेंगे कि कर्मा का कैसे थ्योरी है, तो डायरेक्टली इस पे आ जाना है। एग्जामिन पूछा है तो कंसेप्ट ऑफ कर्मा पहले आपको लिखना पड़ेगा, तो देखते हैं कैंडिडेट ने कैसे स्टार्ट किया है। इन जैन फिलोसॉफी द जीवा इज अ प्योरेस्ट फॉर्म एंजॉयज अनंत चतुष्टय ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद द बाउंडलेस इग्नोरेंस इट लूजेस फेथ एंड बिकम्स वल्नरेबल टू द फोर पैशंस दैट इज कसाया। कसाया अट्रैक्ट्स द फ्लो ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स समटाइम्स सिंपली कॉल्ड कर्मा दैट यूनाइट्स विद जीवा, दिस यूनिफिकेशन इज कॉल्ड बॉन्डेज और बद्ध। जीवा इन बॉन्डेज गेट्स ट्रैप्ड इन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कर्मा विच कॉजेज बर्थ एंड डेथ। वेल, काफी लंबा इंट्रोडक्शन हुआ है, आई अंडरस्टैंड कि आपने ट्राई किया है कि इसको अच्छे से पूरी तरह से ये करे, क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट करे कि बैकग्राउंड दे कर्मा का। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, हमें इस पर्टिकुलर जब भी हम लिखते हैं तो कर्मा के रेफरेंस से स्टार्ट होना चाहिए। अभी आपने कहां से स्टार्ट किया है, तो यू हैव स्टार्टेड विद दी ओरिजिनल कंटेक्स्ट ऑफ अ जीवा, उसका ओरिजिनल जो नेचर था वहां से आपने स्टार्ट करके फिर कर्मा उसको कैसे बंधन में लाता है ये आपने बात डिस्कस की। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग दैट, लेकिन आई सजेस्ट कि पहले हिटिंग एट द कंसेप्ट फर्स्ट, कि पहले एक पैराग्राफ छोटा सा भले ही दो लाइन का क्यों ना हो, ये बता देना है कि जैना के अनुसार कर्मा क्या है, व्हाट दे कंसिडर, फिर आप वहां पे पासिंग रेफरेंस दे दो कि जो आपने यहां पे लिखा है इन शॉर्ट कि ड्यू टू द कर्मा, कर्मा थ्योरी हैव बीन कंसिडर्ड वाइडली अमॉन्ग द इंडियन फिलोसॉफर्स एंड दैट इज हाउ इवन जैना एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ अ कर्मा एज अ पाथ टू लिबरेशन एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डेज। हो गया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, देन यू स्टार्ट विद दिस कि ऐसे प्रोसेस में वो जाता है जीवा एंड फिर वो कसाया और कार्मिक पार्टिकल्स के फ्लो की वजह से उसको एक बंधन बॉन्डेज इस्टेब्लिश हो जाता है एंड इट फॉरगेट्स इट्स ओन ओरिजिनल नेचर। ये फिर आप ब्रीफली भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देयर आर एट टाइप्स ऑफ कर्माज, कितना है, जीएसटी एट टाइप्स ऑफ कर्माज विच आर कैटेगराइज इन टू घटीय एंड अघटीय। इसका सिंपल मीनिंग हम देख सकते हैं ये कि बैनिंग कर्माज एंड इफेक्ट्स एनी ऑन बॉडी नॉट सोल डायरेक्टली, इफेक्ट सोल एंड इट्स एट्रीब्यूट। तो इसमें और डिविजन्स दिए हुए हैं जो यहां पे आप पढ़ सकते हो, ये अच्छे से प्रेजेंट किया है कैंडिडेट ने। नाउ आपको ये थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहिए था कि किस प्रकार से यहां पे सिर्फ इफेक्ट द सोल एंड इट्स एट्रीब्यूट लिखने से काम नहीं चलने वाला है, हाउ दैट एक्टिंग एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि सन आपको दिखता है लेकिन बिकॉज ऑफ क्लाउड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सन डज नॉट फेड अवे बट सर्टेनली उसका परसेप्शन कहीं ना कहीं पे स्टॉप हो जाता है एंड दैट इज व्हाई यू कंसीडर दैट सन डज नॉट एग्जिस्ट। ये किसके वजह से होता है, किस कर्मा की वजह से होता है, विद सर्टेन एग्जाम्पल अगर आप लिख पाओ एक्सप्लेन कर पाओ दैट इज वॉट इज एप्रिशिएटेड। सिर्फ हमें देखो, एक फिलोसॉफी में अभी इसके पहले का आंसर हमने देखा, उन्होंने कहीं पे भी जो फैक्चुअल डेटा है उसको थ्रो करके नहीं रखा कि हाँ दे दिए फैक्चुअल डेटा अब आप देखते बैठो, दैट वॉज नॉट डन बाय द कैंडिडेट। उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड और एक नेसेसरी फ्लो लाने की कोशिश की अपने आंसर में, आपने भी वैसे ही कोशिश करनी चाहिए बिकॉज सिर्फ फैक्चुअल डेटा हम अगर थ्रो कर देंगे तो उससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला है। देखो कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि मैं इतना डेटा अगर रिफ्लेक्ट करूंगा आंसर में तो शायद अच्छा इंप्रेशन गिरेगा, बट दिस हैज नथिंग टू डू विद दी इवेल्युएटर का माइंड किसमें है, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। मैंने कहा ना क्वेश्चन तो इजी होंगे, हाउ डू यू राइट इट, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट।
Okay, so liberation is a separation of a karma pudgala. Okay, stop and okay. Liberation. Okay, samvara and nirjara respectively by possessing and practicing Sri Ratna, right faith, knowledge and conduct. अभी जैसे आपने लिखा संवरा और निर्जरा, आपने क्या किया, लिबरेशन को इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको फिर जरूरत ही नहीं लगी संवरा और निर्जरा को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की। तो यही गड़बड़ होती है, हमें ऐसा लगता है कि मैं क्या, किस पार्ट पे मैं फोकस करूं, किस पार्ट पे मैं नहा करूं, इसमें ही कैंडिडेट का स्ट्रगल होता है बहुत। तो आई रिक्वेस्ट कि लिबरेशन की इतनी बड़ी डेफिनेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, लिबरेशन कैसे लाया जाता है ये तो यही तो पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में। यू सी द क्वेश्चन, हाउ इट बियर अपॉन देयर कंसेप्शन ऑफ लिबरेशन, इस प्रकार से वो इसका आधार लेके, कर्मा का आधार लेके अलग अलग वो लिबरेशन आप तक ले जाए। यहां पे संवर निर्जर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ जैन फिलोसॉफी, जिसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, इसीलिए थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कैंडिडेट के राइटिंग में, अननेसेसरी पार्ट पे फोकस हो जाता है, नेसेसरी पार्ट पे थोड़ा सा लाइटली लिया जाता है। तो दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड, द कैंडिडेट शुड एक्सप्लेन द संवरा एंड निर्जरा, एंड वो उसके बाद क्या होता है, देन द थ्री रत्नास। ऑब्वियसली डेफिनेटली ये संवरा निर्जरा इज अ पाथ टू थ्रू द एक्सेप्टेंस ऑफ अ थ्री रत्नास, ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि पहले ये होगा बाद में होगा। कि संवरा होने के लिए यू शुड हैव अ राइट नॉलेज, उसके लिए भी राइट कंडक्ट एंड राइट फिट की जरूरत होती है, फिर वो सब होता है अपने आप। So you should explain it in that organic nature, not bad, but not even as per the demand of the question. जो मैं बार बार ये repeat करता हूं ना कि demand क्या है और आप क्या लिखते हो, इसमें जितना अंतर होगा उतने कम marks होंगे, जितना वो gap कम होगी उतने अच्छे marks आपको मिलेंगे। चलिए next answer देखते हैं। Candidate who has done the answer, he sent it yesterday, I think. So we'll first evaluate this candidate answer and then we'll go to the another answer. If here is for a candidate who has answered this way. Comment on the rational insight in Plato's philosophy. अभी 10 marks के लिए है, ये समझ में आ गया कि rational insight पे आपको focus करना है पूरे question में। तो obviously ऐसे 10 mark के question में तो कभी भी risk नहीं लेनी है कि कुछ उसका background दे, कुछ ये दे, फिर उसकी philosophy दे, then coming to certainly in the second half of the answer on the rational insight। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 marks का है, hitting at the point। आप डायरेक्टली पहले इंट्रोडक्शन में इसका ब्रीफिंग दे दीजिए, है ना। हम देखते हैं ना कि क्रक्स पहले देखा जाता है। आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही घुमा फिरा के अगर बात करता है ना, तो आपको उसके बातों में कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। इफ ही इज डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट एंड डिस्कसिंग व्हाट यू वांट टू लिसन, डेफिनेटली वो अपील होता है। ये हम यूजुअली देखते हैं, है ना। तो ब्रेकिंग न्यूज का फंडा क्या है मीडिया में, यही तो है। इसीलिए आपको हिट करना पड़ेगा ऑन दी क्वेश्चन, दैट इज अ फोकस। यहां पे क्या है, रैशनल इनसाइट, डायरेक्टली उस पर आना चाहिए। देखते कैंडिडेट ने कैसे लिखा। प्लेटो इज अ रैशनलिस्ट फिलोसॉफर, ही एक्सेप्ट द रीजन एज अ वैलिड सोर्स ऑफ अ नॉलेज। हाँ, कैंडिडेट गए अभी वो, लाइक ही लॉस्ट द पाथ। आई एम सेइंग सो, जो भी एक्सप्लेन किया है वो गलत नहीं है। कहीं कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, मेन्स अफेयर्स होने वाले स्टूडेंट ऐसे ही नहीं आते मेंस लिखने के लिए। उनमें वो सेंस होता है, दे आर मैच्योर इनफ। अगर उसमें से पास होते वो आईएएस बनने वाले, देश के कलेक्टर बन के देश को चलाने वाले। इसका अर्थ ये नहीं कि मेंस लिखने वाले स्टूडेंट्स को वो सेंस नहीं है। इट इज ऑल अबाउट डिमांड क्या है और आप किस दिशा में जा रहे हो। ये लिखा हुआ गलत बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली इट इज राइट टू द पॉइंट, लेकिन नॉट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड क्या कर रहा है, रैशनल इनसाइट पे बात करो ना पहले, एक्सप्लेन इट, पहले ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दो,
कि व्हाट इज रैशनल इंसाइट ऑफ प्लेटो, प्लेटो के अनुसार रैशनल इंसाइट क्या है, वो पहले डेफिनेशन में आ जाना चाहिए, फिर उसके एक्सप्लेनेशन में आप जाइए या एक्सेप्टेड आइडियलिज्म, ड्यूअलिज्म, जो भी है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, परसेप्टिबल, जो भी है, फिर उसके रेफरेंस में दीजिए ना कि इट्स अ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ अ प्लेटोस फिलोसॉफी, जहां से वो कैसे आप हाइएस्ट गुड तक पहुंच सकते हो इसके बारे में वो एक पाथवे देते हैं, दैट इज नथिंग बट द रैशनल इंसाइट। रैशनल इंसाइट कैसे लाया जाता है, उसका कैसा आप उपयोग करके लिबरेशन की तरफ यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक जा सकते हैं, हाइएस्ट आइडिया ऑफ गुड तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्या होता है, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। अभी इस कैंडिडेट ने स्टार्ट जहां से किया, इसमें कोई गलत नहीं है, डिमांड से अलग है, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। एज पर दी प्लेटो, दिस वर्ल्ड इज द इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट, वी नो द नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस। अभी कैसा करते हैं, यूपीएससी भी बड़ी ये होती है कभी कभी, देखो क्वेश्चन कहां पे है, रैशनल इंसाइट पे है, राइट। नाउ आपको पता है कि रैशनल इंसाइट एक लास्ट आने वाला पार्ट है, इट्स लाइक अल्टीमेट कहीं ना कहीं पे आएगा, पहले पूरा वर्ल्ड कैसा एक्सप्लेन होगा, फिर ऐसा, फिर वैसा, देन अल्टीमेटली कही दो रैशनल इंसाइट क्लोज टू द आइडिया ऑफ गुड वगैरह वगैरह। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन एंड के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, कैंडिडेट को लगता है कि मैं पहले से स्टार्ट करूं, दैट्स वॉट द जनरल परसेप्शन अबाउट द राइटिंग द आंसर्स, और वहीं पे मिस्टेक होती है जो इस कैंडिडेट ने भी की है। व्हाई आई एम मोर एम्फसाइजिंग ऑन दिस, यही पे सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, सो वी गेट द नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस, बट थिंग्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आर सब्जेक्ट टू चेंज, सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन आइडियाज। टू एक्सप्लेन प्लेटो गिव्स एनालॉजी ऑफ अ केव, देखो सब कुछ लिख रहा है कैंडिडेट। अभी तक मैंने जैसे कहा था कि फर्स्ट हाफ तक दिखेगा ही नहीं कहीं पे वो स्टेटमेंट और वर्ड, जो कीवर्ड है रैशनल इंसाइट, अब जाके उन्होंने लाया, तो इट इज लाइक ही इज हाइडिंग समहाउ कि मैं इवेल्युएटर को थोड़ा पेशेंटली दिखाऊ चीजों। ऐसा क्यों करेंगे हम, हमें पता है ना, वी आर यानी 100% श्योर कि मुझे रैशनल इंसाइट का कंसेप्ट पता है, सो व्हाई आई एम नॉट ब्रीफली गिविंग इट्स इंस्ट्रक्शन एंड देन कमिंग टू इज एक्सप्लेनेशन, पहले आ जाना चाहिए था ये, ठीक है। सो प्लीज कैंडिडेट ने इस पर काम करना चाहिए। ओके, अभी ये सब बाकी आ चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कैंडिडेट को कि उसको वो कंसेप्ट के बारे में क्या लिखे, कैसे लिखे, उसका अरेंजमेंट नहीं पता होता है। अरेंजमेंट इन व्हाट सेंस कि सर नेशनल इनसाइट तो सर लास्ट में आने वाला है, उसको पहले कैसे लिखूं मैं, ये मेजर डिफिकल्टी फेस होती है कैंडिडेट को। तो सिंपल है कि पहले उसकी फिर डेफिनेशन दे दो, उसका कंसेप्ट पहले आप क्लियर करा दो, और उसके कंसेप्ट के बाद फिर आप इस पॉइंट पे आ जाइए डायरेक्टली कि हाउ यू हैव देन अराइव टू दैट पॉइंट। ये भी कभी कभी एक बेटर वे आउट हो सकता है टू शो दी इवेल्युएटर कि आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है, क्योंकि वो पहली लाइन रीड करेगा, पहले इंट्रोडक्शन रीड करेगा और सीधा एंड में जाएगा, वो बीच का अंडरलाइन वर्ड्स को सिर्फ देखेगा। और यही एक पैटर्न होता है, इन लोगों को इतने आंसर इवेल्युएट करने होते हैं, और एक तो कैसा है यूपीएससी इनको बड़ा रेस्ट्रिक्शन दे के रखता है आंसर इवेल्युएशन के समय, तो वो उनको उतना पैसे तो मिलते हैं काफी अच्छे, तो वो थोड़े से पैसे के लिए ही आते हैं, बट अदरवाइज वो भी लिबरल लोग जैसे होते हैं वैसे थोड़े फ्रीडम, ये वो एक फोन भी नहीं करने देते फैमिली को, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इसके थ्रू, सो दे हैव अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एटमोस्फियर ओवर देयर। तो कभी कभी उसका फ्रस्ट्रेशन शायद आपके आंसर पे निकल जाए, सो वाई टू टेक अ रिस्क, वाई टू स्ट्रेच इट, उसको और पेशेंटली आंसर पढ़ने के लिए क्यों आप ये कर रहे हो, ये आपको फोकस में लाना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका इवेल्युएशन। और एक कैंडिडेट ने आंसर भेजा है, वी विल इवेल्युएट दिस, क्या क्वेश्चन है ये। यार कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि ना प्लीज ऐसे भी ना भेजे कि मुझे ही बहुत प्रयास करना पड़े आपका क्वेश्चन पढ़ने के लिए, कि आप अपने मन के अनुसार उसको, फोटो तो अच्छे से क्लिक करनी चाहिए आई होप कि पढ़ते समय तो भी कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन इज, ये यूपीएससी ने ही पूछा है राइट, आई थिंक 2019 या 20 का क्वेश्चन है। बट कुड वी ऑल्सो इमेजिन अ लैंग्वेज इन विच ए पर्सन कुड राइट डाउन और गिव वोकल एक्सप्रेशन टू हिज इनर एक्सपीरियंसेस, हिज फीलिंग्स, मोड्स एंड द रेस्ट फॉर हिज प्राइवेट यूज, क्रिटिकली डिस्कस द आंसर ऑफर्ड बाय वेटेगिंस्टन टू दिस क्वेश्चन।
डेफिनेटली ये जैसे कि तैसा रेफरेंसेस बुक से उठाया है या कहीं ना कहीं पे किसी के रिसर्च पेपर से उठाया गया है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. बट कुड वी ऑल्सो इमेजिन, हम क्या सोच सकते हैं ऐसी कोई भाषा जिसको हम प्राइवेट भाषा बोल सकते हैं, वो अपने प्राइवेट यूज के लिए एज अ वोकल एक्सप्रेशन के टर्म्स में उसको, क्योंकि लिंग्विस्टिक फिलोसोफर क्या होता है, लैंग्वेज का एनालिसिस करेंगे. यू नो साइलेंस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ लैंग्वेज एडमिटेड बाय जैना बुद्धा. कई लोगों ने इवन इनडिस्क्राइबेबिलिटी, शून्यवाद, ये ऑल साइलेंस के ही लैंग्वेज के प्रकार है ना. तो डेफिनेटली लैंग्वेज एनालिसिस में अपने कितने एक्सपीरियंसेस को कैसे आप एनालिसिस कर रहे हो, इसका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है कि मैं जो फीलिंग्स है, मेरे जो मूड्स है, मेरे जो अपने थॉट्स है, इनर एक्सपीरियंसेस जिसको हम कहते हैं, उसको मैं वोकली कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं या कर सकता हूं क्या. कैन वी इमेजिन सच अ लैंग्वेज विच इज डेफिनेटली फॉर द प्राइवेट यूज, ऐसा इसको कैसे वेटिकिंस्टन डील करते हैं, ये आपको यहां पे लिखना है. डेफिनेटली वी ऑल नो कि वेटिकिंस्टन टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज इन सर्टेन वे दैट ही टॉक्स अबाउट इट्स यूटिलिटी, ही टॉक्स अबाउट इट्स स्पेसिफिक रेफरेंस टू दी फैमिली रिजेंबलेंस भी. एक लैंग्वेज गेम थ्योरी यहां पे बहुत सिग्निफिकेंट होती है. लेकिन कुछ लोग जैसे वो कहते हैं ना कि हर इसमें अपना अपना एक वे होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट का अपराध देखो, तो वो वहां पे जिस प्रकार से बात करते हैं ना वो लोग एक दूसरे से, वो अपने आप में उनका एक तरीका होता है डीलिंग का. और वो कुछ नाम लेंगे, जैसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी लोग देखो, तो दे हैव देयर ओन वे, नीश होता है उनका, वो उस प्रकार से भाषा में बात करना. सो इट इज फॉर देयर रेफरेंस, हमें उसका कोई मीनिंग नहीं लगेगा, हमें वो सब वेग मीनिंगलेस सेंसलेस लगेगा. बट फॉर देम दे हैव एक्यूरेट एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट दे वांट टू से. सो दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल दैट इस सेंस में ये बताया जा रहा है. नाउ कैंडिडेट ने जो लिखा है, नाउ वी विल सी दैट. लुडविग विटगेंस्टीन वॉज अ ग्रेट एंड लिंग्विस्टिक फिलोसोफर. एक मिनट, मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी ये सारी फाइल्स. लुडविग विटगेंस्टीन वॉज अ ग्रेट एंड ओके, क्वेश्चन इज अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट लैंग्वेज. अभी ऐसा लिखना नहीं है, हियर द क्वेश्चन इज अबाउट, दिस इज नॉट द वे. अकॉर्डिंग टू विटगेंस्टीन, टू सीक एंड नो वन एल्स, कैन वी यूज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, बट दिस कंसेप्ट टू सब्जेक्ट क्रिटिसिज्म, नहीं ये नहीं आ रहा है. जो भी कैंडिडेट ने इसको लिखा है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द कैंडिडेट कि ये जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा उतर नहीं रहा है. कहीं ना कहीं पे आप रन इन टू दी नहीं, क्वेश्चन को डील नहीं कर रहा है ये. प्राइवेट लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ इनकरेक्ट यूज विच क्रिएट्स अ फिलोसॉफिकल. हाँ, ये एक स्टेटमेंट अच्छा है, बराबर है टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. लैंग्वेज गेम दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन विच वी सी द यूज ऑफ द वर्ड्स रैदर देन मीनिंग. हेंस विटगेंस्टीन मेक अ शिफ्ट फ्रॉम हिज अर्लियर स्टांस ऑफ एक्सेप्टिंग. ठीक है, ओके. तो कैंडिडेट थोड़ा सा आप इस पे काम करिए कि प्रेजेंटेशन पे काम करिए. हैंडराइटिंग में कोई इश्यू नहीं है, लिखते भी अच्छा हो. थोड़ा सा इस पे काम करिए कि कंटेंट प्रॉपरली उतरना चाहिए आपका, डिमांड के अनुसार आना चाहिए. और वो जो उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है कि इमेजिन प्राइवेट लैंग्वेज या प्राइवेट यूज, ओके, वोकल एक्सप्रेशन, और सबसे महत्वपूर्ण है इनर एक्सपीरियंसेस. इनर एक्सपीरियंसेस जब हम कहते हैं तो इनर एक्सपीरियंस यानी स्पेसिफिकली क्या उसको हम मेटाफिजिक्स कह सकते हैं? अच्छा, ओके. नहीं नहीं, मैंने शायद आंसर को शेयर ही नहीं किया, बिकॉज कैंडिडेट ने इमेजेस भेजे हैं.
तो मैंने उसको इमेजेस को शेयर नहीं किया आपके साथ, वो जस्ट मैं ही पढ़ रहा हूँ, वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगा। तो कैंडिडेट ने इतना क्लियरली नहीं लिखा है, क्या कहते हैं उसको, उनका जो एक्सप्रेशन है ना थोड़ा सा वेग जा रहा था, तो बस मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि कैंडिडेट को रियलाइन कैसे करना चाहिए आंसर को अपने एक्सप्रेशन में। तो अभी सिंपल है, आई जस्ट सम अप नाउ कि तीन आंसर हमने, चार आंसर्स ओवरऑल देखे, ठीक है। पहला ये देखा था इस कैंडिडेट ने, फिर सेकंड कैंडिडेट का ये आंसर जयना का जो कर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन था, और देन रैशनल इनसाइट वाला क्वेश्चन। तीनों आंसर्स अगर आपके सामने है, आप किसको मार्क्स दोगे? यानी अगर मैं आपके पास ये अधिकार दे देता हूं कि ये लो, ये पहला आंसर है, ये सेकंड आंसर है और ये थर्ड आंसर है, टू हुम यू विल गिव दी गुड मार्क्स? अपने आप में, अपने जो अगर ये कैंडिडेट का आंसर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। क्या होता है कि हमारे एक्सप्रेशंस में हर वो चीज एक्सपेक्टेड है जो इवेल्युएटर चाहता है। इवेल्युएटर क्या चाहता है, इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत सिग्निफिकेंट होती है। अगर आपने चीजों को पढ़ा है, और सिर्फ पढ़ा है तो भी कोई फायदा नहीं है, जैसे आपको उसके अलग अलग डायमेंशंस भी पता होने चाहिए कि हमने टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म पढ़ लिया, लिख लिया, उसके डेफिनेशन जो मैंने पढ़े हैं वो लिख दिए, दिस इज यू मीन कि मैंने जो समझा है मैंने उतना लिखा। लेकिन आप अगर उसके एक्सप्रेशन देते हो पहला, उसके बाद में उसका आप एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग देते हो, उसके बाद में कोई कंपैरेटिव स्टडी देते हो, उसके बाद में उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शंस है क्या, मैंने उसके क्रिटिसिज्म जो हम यूजुअली कहते हैं वो कुछ है क्या, ये अगर आप आंसर में लिखोगे ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके आंसर के ये मार्क्स काटेगा। ये कुछ डायमेंशंस होते हैं आंसर्स के जो एक्सप्रेस होने चाहिए, कम शब्दों में अपने आप वो आ जाएगा। फिर तो कैंडिडेट जो इस परसेप्शन से पढ़ाई करता है ना कि मुझे उठाना क्या है, यानी अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं कौन सा टॉपिक लू अभी, हेगेल के डायलेक्टिकल मेथड अगर मैं बोलूं, तो हेगेल का डायलेक्टिकल मेथड का ब्रीफ बैकग्राउंड में देखा जाए तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको जहां पे ये दिखेगा कि उसने कांट के एटोनॉमी एंटीनॉमीज के भी आगे जाके कुछ किया है, उन्होंने प्लेटोस के ड्यूअलिज्म को भी रिजॉल्व करने की कोशिश की है और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म तक वो लेके गए हैं। ये जो सफर है इसमें एग्जांपल्स भी आते हैं और सर्टेन क्रिटिसिज्म्स भी कोट करने की जरूरत पड़ती है। अगर कैंडिडेट को ये पता है कि मुझे उठाना क्या है, व्हाट शुड आई पिक अप फ्रॉम दी नोट्स दैट आई एम रीडिंग, डेफिनेटली उसके जो प्रिपरेशन है ना वो पिन पॉइंट एकदम फोकस्ड होगा, वो कहीं पे भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। यही रिस्पेक्टिवली हम सबको करना चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चंस को कैसे डील करना ये अपने आप समझ में आ जाएगा। आई थिंक जिस कैंडिडेट को ये समझता है कि डिमांड भले ही क्वेश्चन में जो दी है मुझे उसके अनुसार तो लिखना ही है, लेकिन उसका जो ये कलेक्टिव डेटा है ड्यूरिंग दी स्टडी, वो जो पिकअप करता है ये पॉइंट्स, अगर वो उसे लिखता है तो उसको पता है कि अच्छे मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। ओके, सो आई थिंक सिद्धार्थ का ही मैंने लास्ट इसमें वेरीफाई किया था, तो काफी अच्छा लिखते हो सिद्धार्थ आप। आई डोंट नो व्हाट वाज द पास्ट एंड व्हाट एक्सपीरियंस यू हैड बीन थ्रू, बट आई एक्सपेक्ट कि कंसेप्ट्स तो क्लियर है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप लिखते बहुत अच्छे से हो, तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी को कोई रीजन है कि आपको वो मार्क्स अच्छे ना दे। तो अगर आप उस प्रोसेस में हो तो बी मोर कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस मोर। जो वीकर पोर्शन है, आई डोंट नो आप सोशो पॉलिटिकल और फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन कैसे लिखते हो, सो उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है ना। मैंने देखा है ऐसे कैंडिडेट जिनका पेपर टू बड़ा स्ट्रांग होता है, ऐसे मार्क्स मिलाते पेपर टू में शायद आप सोचो ही नहीं, 135, 140। तो मैं उनको पूछता हूं कि फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ डू यू, ऐसे इस साल एक मेन्स अपियरिंग कैंडिडेट ने जब मेरी उससे बात हुई तो ही सेड कि सर मेरे को पेपर टू में बड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने पूछा आप करते क्या हो, फिर स्ट्रैटेजी क्या है? ही सेड कि सर सिंपली मैं फ्लो में रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है इंटरकनेक्ट करना, बिकॉज ही नो दैट पेपर टू इज फ्री, इट्स दे हैव नो रेस्ट्रिक्शंस, हाँ वो हम कहते हैं ना ओपन एंडेड है, तो वो उसका फायदा उठाता है और वहां पे वो फ्रीडम महसूस करता है जो वो यूजुअली फिलोसॉफी सब्जेक्ट पढ़ते हुए महसूस करता होगा, दैट्स द ब्यूटी। और लेकिन उसका क्या हो जाता है, फिर पेपर वन में थोड़ा सा कंट्रोल में आना पड़ता है, तो उसको डर लगता है, उसको लगता है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। सो दैट्स हाउ आई डील्ड विथ पेपर वन में भी आप इंटर रिलेशन दे सकते हो, बिकॉज वो आपकी आइडेंटिटी है।
अब उसके आंसर्स अब तक देखोगे पेपर वन के तो वो बहुत कुछ इंक्लूड करता है अभी, पहले रिस्ट्रिक्टेड रहता था, उसको लगता था कि पेपर वन स्टैटिक है तो सर कुछ जरूरत ही नहीं है। तो फिर काउंसलिंग में ये बात ध्यान में आई कि उसको पता है कि ये मैं प्रॉपरली कोरिलेट कर रहा हूं, दिस कैन बी इंटर रिलेटेड, लेकिन वो डर रहा है कि कहीं मैं ये लिख दूं तो गड़बड़ ना हो जाए। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको वैसा एक्सप्रेशन मिले जहां से वो मोर कॉन्फिडेंट फील करे और लिखते वक्त वो फ्री रहे। सो यही है हमारे इवैल्यूएशन का एक ये प्रॉपर वे कि किस तरह से हमने इस पे काम करना चाहिए इवन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आंसर राइटिंग इज जस्ट एन आउटकम, लेकिन उसके पहले कैंडिडेट जब कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ता है तो उसमें वो ये कलेक्ट करते रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो पहले मोस्टली जैसे कॉमनली स्टूडेंट करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, जो हर कोई करने वाला है, लेकिन जो ये कैंडिडेट है स्पेसिफिकली इस आंसर की मैं बात करूंगा, तो इनको पता है कि वो कंटेंट से आंसर्स में लिखने वाले ऐसे कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बार बार रिवाइज करते रहूं, अगर मैं उस पर ध्यान दूं तो अपने आप में मेरा कंटेंट जो है बिल्टअप हो जाएगा। तो इसीलिए वो मल्टीपल डायमेंशंस पे भी वर्कआउट करते हैं कि ये वाला इंट्रोडक्शन के लिए अच्छा है, ये इस कंसेप्ट का मेन क्रक्स है जो कोई भी इवैल्यूएटर देखेगा कि यही चाहिए आंसर में, इसका ये क्रिटिकल अप्रोच है जिसने एनालिसिस किया है कि ये आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर वो उसके आर्ग्यूमेंट को ध्यान में रखने की कोशिश करता है। ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कलेक्टिवली अपने रिवीजन में रखता है। फिर जब भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक्सप्लेन करके छोड़ेगा क्या? नहीं। मेन गोल्स लिख के छोड़ेगा क्या? नहीं। तो इसके साथ ही साथ वो एक ऐसा इंट्रोडक्शन देगा जिसमें समअप हो जाएगी सबकी समरी, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका क्रिटिसिज्म भी आ जाएगा जहां पे एक्सपेक्टेड है। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद द क्वेश्चंस। इससे मुझे नहीं लगता कोई और बेस्ट तरीका शायद आपको मिल जाएगा। सो आई होप यू गॉट दी हाउ इवैल्यूएशन मैटर्स इन दी ओवरऑल प्रिपरेशन। सो आई होप यू लाइक दिस ओवरऑल सेशन कंडक्टेड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी दोज हू हैव ज्वाइन दी लेक्चर कैन आस्क if they have any query. Even you can type it in the chat box if you have any query, otherwise we will stop. Okay, so I hope you don't have any query. By the way, if you have any query, you can contact me anytime and they are available on Telegram channel. Thank you, have a great day, take care. Thank you, sir.